हेलो दोस्तों, फेसबुक एड्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप मल्टीपल एड सेट क्रिएट कर सकते हैं अपने फेसबुक एड कैंपेन में। अब आपको पहले यह पता होना चाहिए कि एड सेट लेवल क्या होते हैं, एड लेवल क्या होते हैं। तो ये सारे जो आपके कैंपेन है उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। आप जब भी कोई कैंपेन डिजाइन करने जाते हैं फेसबुक एड के अंदर, तो वहां पर आपको तीन स्टेजेस देखने को मिलते हैं। एक होता है कैंपेन लेवल, उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, उसे ऑप्टिमाइज करते हैं। उसके बाद आपके सामने होते हैं एड सेट लेवल, फिर उसे ऑप्टिमाइज करते हैं, उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद आप आते हैं एड लेवल पर, जहां पर आप फाइनली अपना एड डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं। वहां पर आप अपना एड कॉपी लगाते हैं, हेडलाइंस लिखते हैं, डिस्क्रिप्शंस वगैरह, कॉल टू एक्शंस वगैरह आप वहां पर डालते हैं। तो ये आपके जो स्ट्रक्चर होते हैं, हायरार्की होती है आपके कैंपेन के लिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको कोई भी एक कैंपेन डिजाइन करके दिखा देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये स्ट्रक्चर क्या है। मैं अपने फेसबुक एड मैनेजर में हूं। जब भी आप कोई कैंपेन डिजाइन करने जाते हैं, तो आप क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। जो भी आपके बिजनेसेस हैं, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट या सर्विस है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ट्रैफिक सेलेक्ट करता हूं और मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। जब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे सामने तीन ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जो आपके जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होंगे। यहां देखेंगे आप, ये आप देख सकते हैं यहां पे न्यू ट्रैफिक कैंपेन, यानी ये आपके कैंपेन के जो स्ट्रक्चर है, तीन स्टेज आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। आप यहां देखेंगे ये है कैंपेन, इसके अंदर यहां पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं आपको। यहां पे स्पेशल एड कैटेगरी, कैंपेन का डिटेल, एबी टेस्टिंग, एडवांटेज कैंपेन, बजट वगैरह है। ये सब ऑप्टिमाइज करना मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूं इस फेसबुक एड्स कोर्स में। एक एक ऑप्शन के ऊपर वीडियोस है, आप जाकर जरूर देखिए। अगर आप विजिट करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप यहां पे देख सकते हैं 580 प्लस वीडियोस मैंने क्रिएट करा है डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड। आपको यहां पे वीडियोस और कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। आप यहां पर आएंगे तो यहां पे देखें मल्टीपल कोर्सेज हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। अगर यहां पर आप देखेंगे तो ये कंप्लीट मैंने कोर्स क्रिएट करा है फेसबुक एड्स के ऊपर। इसमें मैंने आपको हर एक ऑप्शन को डिटेल से बताया है। सेल्स कैंपेन कैसे डिजाइन करेंगे, आप किस तरह से ई कॉमर्स मैनेजर बनाएंगे, यानी एक एक टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोस बनाया। अगर आप कंप्लीट कोर्स देखते हैं, तो आप एक्सपर्ट बन सकते हैं फेसबुक एड्स के अंदर। आप इसे जरूर देखिए, ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप एक एक ऑप्शन को ऑप्टिमाइज करना सीख जाए, आपको पता चल जाए कि किस तरीके से हम फेसबुक एड्स के थ्रू रिजल्ट लेकर आते हैं। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी हम इस पर बात करते हैं। यहां देखेंगे कि आपको यहां पे न्यू ट्रैफिक कैंपेन, यानी तीन भाग में यहां डिवाइडेड है आपका कैंपेन। इसके आगे आएंगे तो यहां देखिए एड सेट लेवल है। अब देखेंगे एड सेट लेवल में आपको यहां पे मल्टीपल यहां पे देखने को मिल जाएंगे ऑप्शन। जैसे मैं यहां पे एड सेट में आऊंगा, यहां पर आपको जो कन्वर्जन लोकेशन डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर आपको अपनी जो बजट कितना लगाना चाहते हैं, आप यहां पे फेसबुक पेज सेलेक्ट करेंगे, आप यहां पर अपना जो ऑडियंस है उसकी टारगेटिंग करेंगे, आप यहां पर प्लेसमेंट वगैरह आप यहां पे डालते हैं। इसके आगे फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है जो होता है एड लेवल। यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका है एड लेवल। अब एड लेवल पर भी आपको अलग अलग ऑप्शन आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। आप यहां पे एड लेवल पर आएंगे, यहां पे देखिए एड लेवल पर भी आपको लेके चलता हूं। यहां पर भी आपको अपना एड डिजाइन करने का ऑप्शन मिलता है, कॉल टू एक्शंस, डिस्क्रिप्शंस आप यहां पे डालते हैं, लिंक वगैरह डालते हैं, जहां पर आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं अपने यूजर को। तो आप यहां देख रहे हैं ये जो यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है, हायरार्की है आपके कैंपेन के। फिर चाहे आप लीड जनरेशन कैंपेन चलाना चाहते हैं, आप यहां पे अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहते हैं, सेल्स कैंपेन, लीड कोई भी वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन आप चलाना चाहते हैं, आपको इसी स्ट्रक्चर में आपको कैंपेन देखने को मिलेंगे। तो यहां पर एक सवाल माइंड में आता है कि ये एड सेट हम क्यों बनाते हैं, हम मल्टीपल एड सेट बनाने की हमें क्या जरूरत पड़ती है, क्यों हम मल्टीपल एड सेट बनाएंगे। तो इसके जवाब समझाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं और यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि क्यों आपको यह सब करने की जरूरत पड़ती है, आप क्यों मल्टीपल एड सेट बनाते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने कोई भी एक कैंपेन डिजाइन करा, जैसे मैं अपने एग्जांपल से लूंगा, अपनी सर्विस से रिलेटेड ये कोई एक कैंपेन, और ये कैंपेन है हमारा वेबसाइट ट्रैफिक का, ठीक है। यहां पर मैंने एक वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन रन करा अपने सर्विसेज के लिए। मैं यहां पे कैंपेन है, इस कैंपेन का जो मैं अभी दिखा चुका हूं आपका, तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। यहां पर ये कोई कैंपेन है जो मैंने डिजाइन करा, ये है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जो ट्रेनिंग है उसे सेल करना चाहता। अब मैं क्या करूंगा, जो एज होगा, जेंडर होंगे उसके जिसे मैं टारगेट करूंगा, उसका कुछ ना कुछ लोकेशंस होंगे, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ डेमोग्राफिक होगा, ठीक है। मैंने
ये करके एक कैंपेन डिजाइन कर लिया। अब इस कैंपेन डिजाइन कर लिया, इस कैंपेन में अलग अलग लोग हैं, मतलब मैं हर किसी को टारगेट कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे भी यूजर होंगे जो सिर्फ गूगल एड्स सीखना चाह रहे हों, जो सिर्फ फेसबुक एड्स सीखना चाह रहे हों, कुछ ऐसे होंगे जो यहां पर एसईओ सीखना चाह रहे हों मेरे से, कोई वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा उनके लिए मैं अलग अलग यहां पर एडसेट बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा उनके लिए अलग अलग एडसेट बनाऊंगा। अब यहाँ पे एडसेट है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा फेसबुक एड्स के लिए मैं यहाँ पे अलग एडसेट बनाऊंगा, गूगल एड्स के लिए मैं यहाँ पे अलग बनाऊंगा एडसेट, इसी तरह मैं एसईओ के लिए अलग से एडसेट बनाऊंगा, इसी तरह मैं यहाँ पे वर्डप्रेस डेवलपमेंट के लिए अलग से एडसेट बनाऊंगा। अब इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर मैं इसके पीछे लाइन आपको थोड़ा सिगरेट कर दूं तो यहाँ पे देखेंगे जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उसमें ऐसा भी नहीं होगा कि सब एक साथ ही डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, कोई ऐसे होंगे जो एसईओ में इंटरेस्टेड होंगे, कोई फेसबुक एड्स में इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं उसके लिए स्पेसिफिक उसके लिए एड कॉपी डिजाइन करूंगा। अगर मैं एडसेट बनाऊंगा और मैं फेसबुक एड के लिए कैसे बनाऊंगा एड, तो यहां पर आप एडसेट है और इसके लिए मैं एड बनाऊंगा फेसबुक एड, उसमें मैं क्या करूंगा वीडियोस बनाऊंगा और बताऊंगा कि फेसबुक एड्स के क्या एडवांटेजेस हैं, बिजनेस को किस तरह ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हैं, यानी इस एड में जो भी एड यूजर को शो होगा वो सिर्फ फेसबुक से रिलेटेड होंगे। इसी तरह गूगल एड्स से रिलेटेड मैं बनाऊंगा तो वो जो एड कॉपी है वो गूगल से ही रिलेटेड होगा कि आप गूगल एड्स सीखकर किस तरीके से बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, या गूगल एड्स सीख लेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, किस तरह के जॉब है मार्केट में, ये सब। इसी तरह एसईओ के लिए अगर मैं बनाऊंगा यहां पर तो एसईओ से रिलेटेड एड कॉपी बनाऊंगा। तो आप देख रहे हैं एडसेट बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है, यहां पर कैंपेन मेरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है लेकिन मैं चाहता हूं इस कैंपेन को कंप्लीटली ऑप्टिमाइज करना और लेजर टारगेटिंग करना। अब मैं क्या करूंगा अपने जो वेबसाइट है उस पर मैं पिक्सल लगाऊंगा, जब भी कोई यूजर मेरा कोई एड देखकर आया, अगर कोई फेसबुक एड देखकर आया इस एड को देखकर पिक्सल, तो मैं समझ में आ जाएगा कि ये जो बंदा है वो फेसबुक एड सीखना चाहता है, उसे फेसबुक एड में इंटरेस्टेड है, मैं उसे फिर से रीटारगेटिंग कर सकता हूं। इसीलिए आपको यहां पर मल्टीपल एड सेट क्रिएट करने पड़ते हैं और मल्टीपल एड सेट में आप मल्टीपल एड कॉपी भी बना सकते हैं। जैसे आपको मैं समझाऊं एक FB फेसबुक एड्स का एड सेट है और यहां पे मैं क्या कर सकता हूं दो एड बना सकता हूं, एड वन होगा वीडियो के फॉर्मेट में और यहां पर एड टू हो जाएगा यहां पर मैं इमेज या क्राउजल के फॉर्मेट में भी बना सकता हूं यूजर को दिखाने के लिए। तो वीडियो ज्यादा एंगेजिंग होते हैं, यहां क्राउजल के फॉर्मेट में हम कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो आप एड सेट में मल्टीपल एड भी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हम जो कोई भी कैंपेन डिजाइन करते हैं हम उसमें किस तरीके से अलग अलग इसके जो ऑप्शन है इसको हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक केस स्टडी से समझाता हूं। अभी आप नीचे आएंगे तो एक कैंपेन देखेंगे, वो अभी रनिंग नहीं है, मैंने उसे ट्राई करा था और उसमें मल्टीपल एडसेट बनाया था। यहां पर आप आएंगे तो एक केस स्टडी है कि ये देख सकते हैं वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन है हिंदी, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको यहां पर दिख जाएंगे करीब आपको 18 के करीब एडसेट देखने को मिल जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं 18 यहां पर एडसेट है। अब ये इस एडसेट का नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हिंदी, मैंने स्टेट वाइज बनाया था, एक कैंपेन मैंने वेबसाइट ट्रैफिक का बनाया, उसके बाद जहां जहां मेरे कस्टमर है पोटेंशियल कस्टमर है और जहां से मुझे ज्यादा रिस्पॉन्सेज आ रहे थे मैंने उस पर ज्यादा बजट लगा दिया, ये मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये अलग अलग एड सेट है। अब ये कैसे हुआ आप यहाँ देख सकते हैं, इनका बजट भी आपको अलग अलग दिख रहा होगा। यहाँ पे देखें मध्य प्रदेश पे 300 रुपए है और यहाँ पे मैंने पंजाब पे 400 रुपए लगाए हैं, यहाँ पे झारखंड पे मैंने 700 रुपए हैं, उत्तर प्रदेश पे मैंने 700 रुपए लगाए हैं, वेस्ट बंगाल में 800 रुपए लगाए हैं बजट। ये अब इसकी जरूरत क्या पड़ती है, आपने कोई कैंपेन बनाया, जैसे मैं अपने एग्जाम्पल क्यों यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे क्लाइंट को, मैं आपको समझा देता हूँ आपको ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक केस स्टडी से आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। ये एक मोबाइल एक्सेसरीज वेबसाइट है जिस पर यूजर आते हैं, यहाँ से वो होलसेल में जो टेम्पर्ड है, ग्लास है, मोबाइल का कवर है, वो सब यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इनके लिए मैं एड रन करता हूँ, वेबसाइट ट्रैफिक लेकर आता हूँ लोगों को, जो पोटेंशियल कस्टमर है वो उन्हें लेकर आता हूँ इन वेबसाइट पर, वो यहाँ से एक्सप्लोर करके प्रोडक्ट को यहाँ से परचेज कर लेते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि जहां से हमें ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं हम वहां पर ज्यादा बजट लगाते हैं, जहां से हमें कम ऑर्डर आ रहे थे वहां पर हम कम बजट लगा रहे थे। ठीक वही इसी सिचुएशन के लिए हमने एक कैंपेन बनाया, यहां पर आप देख सकते हैं वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन हिंदी हमने नाम दिया, फिर उसके अंदर मल्टीपल एडसेट हमने क्रिएट कर दिया, क्योंकि जब कैंपेन बनाया था उसमें जो डेमोग्राफिक है, एज है, जेंडर है, इंटरेस्ट है, बिहेवियर है, वो सब एक जैसे ही थे। बस हमें जरूरत क्या थी, हमें जरूरत थी कि जो स्टेट वाइज है हम उस पर अलग अलग प्रायोरिटी देंगे, जो ज्यादा जहां से हमें ऑर्डर आ रहे हैं हमें वहां ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा हम स्पेंड करेंगे, ज्यादा बजट लगाएंगे ताकि हमें वहां से और ज्यादा वहां पे
रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वहां से हमें और ज्यादा ऑर्डर आएंगे, और जहां से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हम वहां पे सिर्फ ट्राई करेंगे और वहां पे कम से कम बजट लगाएंगे। इसीलिए आपको मल्टीपल एसेट क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। चलिए अब मैं आपको एक दूसरे एड अकाउंट पर आपको मल्टीपल एसेट क्रिएट करना सिखाता हूं। आई होप कि अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम मल्टीपल एसेट बनाते हैं, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो आप किसी भी कैंपेन में मल्टीपल एसेट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली इस तरह से आपने कैंपेन एक डिजाइन करा, अब आप चाहते हैं कि मल्टीपल एसेट हमें क्रिएट करना है, उसे और ज्यादा कस्टमाइज करना है, तो आपको कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है, फिर आप आ जाएंगे एसेट लेवल पर। यहां पर दो तीन ऑप्शन होते हैं, अलग अलग तरीके से आप एसेट क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर आप आएंगे, ये देख सकते हैं यहां पे न्यू लीड्स एसेट है, यहां पर आप जाएंगे क्रिएट में, तो यहां से भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप यहां पे एसेट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहां पे सबसे पहले एसेट में जाऊंगा, ये है एसेट, ठीक है। अब इसे डुप्लीकेट करना है आपको, ये एसेट है हमारा, मैं इस पे जाऊंगा डुप्लीकेट में, इस वाले कैंपेन को मुझे यहां से करना है। तो ये आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट ए कैंपेन फॉर योर एसेट, तो ये ओरिजिनल जो है हमारे पास एग्जिस्टिंग कैंपेन है उसी को मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। और ये कौन सा कैंपेन है उसका नाम है, आपने कुछ नेम दिया होगा, आपको याद करना है, आपको याद रखना है वो कि आप किस कैंपेन का अलग अलग एडसेट बनाना चाहते हैं। तो ये वाला कैंपेन है, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉपीज, अब कितने बनाना चाहते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक्सेल शीट है जिसके थ्रू आपको यहाँ पे बनाना, वही इन्फॉर्मेशन आपको डालना है। मेरे क्लाइंट की तरफ से ये ऑर्डर आए कि ये है हमारे कुछ स्टेट हैं, उसके हिंदी लैंग्वेज है और वहां पर आपको इतना इतना बजट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल है 28 है, लेकिन जो हिंदी स्टेट है वो 18 है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अभी मैं आपको दिखाने के लिए इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ नंबर डाल दूंगा और मैं यहाँ पे आपके सामने 5 डालूंगा, मुझे 5 एसेट क्रिएट करना है। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है 18 20 जिस तरीके से है आपको, वो यहाँ पे आपको कॉपीज कर लेने उसके, ठीक है। तो यहां से डुप्लीकेट में कर दूंगा, अभी आप देखेंगे कि 5 एसेट मेरे सामने क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद आपको हर एक एसेट में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको डालना है वो आप यहाँ पे कस्टमाइज डालेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप, ये मेरा कैंपेन है और इसके अंदर आपको 5 एसेट क्रिएट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे एडिट इच एडसेट, मैं हर एक एडसेट को एडिट करना चाहता हूं और उसके जो लोकेशन है और वहां से जो बजट है, ये दो चीज मुझे चेंज करना है। आपको यहां पर ये पांचों एडसेट है वो यहां पे दिख जाएंगे, तो आपको यहां पे एडसेट का नेम रख देना है, जैसे एडसेट 1 और मैं इसे रख देता हूं स्टेट वाइज दिल्ली, मैंने इसे दिल्ली नाम दे दिया, ठीक है, अब मुझे याद रहेगा। और मेरे क्लाइंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस भी आए थे कि दिल्ली में कितना बजट लगाना है, ये आपके सामने आएंगे, आपके क्लाइंट्स ये सारे चीज बताएंगे, बस आपको करना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे दिल्ली है तो यहाँ पे मैंने नेम इसे चेंज कर दिया, बजट में आएंगे तो आप इसे बजट लगाना है। अब दिल्ली वाले में मैं कितना बजट लगाऊंगा, मैं यहाँ 600 रुपए, मैं यहाँ 1000 लगाऊंगा जो मुझे इंस्ट्रक्शंस आए थे 1000। स्टार्ट डेट अगर इसे शेड्यूल करना चाहते हैं, एज, जेंडर, लोकेशन, लोकेशन में भी मैं यहाँ पे जाऊंगा क्योंकि मैं दो चीज यहाँ पे एडिट करना है मल्टीपल एडसेट में, एक बजट एक उसका लोकेशन। यहाँ पे आप देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर गुड़गांव ये सब यहाँ पे इंक्लूडेड है, मैं यहाँ पे सबको कैंसिल करके सिर्फ दिल्ली चाहता हूँ रन करना। अब मेरा जो ये एडसेट है ये सिर्फ दिल्ली वाले लोगों को ही दिखेगा और ये जो 1000 मेरा स्पेंड होगा वो सिर्फ दिल्ली में ही खर्च होगा, बाकी सारी चीजें मैं सेम रखूंगा, कोई भी डिफरेंस नहीं करूंगा। बस मैं यहां से चाहता हूं कि अपने जो मेरा एडसेट है मल्टीपल उसका मैं सिर्फ बजट चेंज करना चाहता हूं और उसका लोकेशन मैं नहीं चाहता हर जगह पे दिखाना, ठीक है। तो ये मेरा जो एक एडसेट था वो यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो चुका है। अब आपको आना है दूसरे वाले एडसेट पे, तो यहां पर आएंगे आप, तो मैं फिर से जाऊंगा नेम वाले में, यहां पे जाऊंगा एडसेट 2 और इसका जैसे ये हरियाणा के लिए है तो मैं यहाँ पे आपके ऊपर है, आप जहां कहीं भी बनाना चाहते हैं जो भी नाम रखना चाहते हैं आपको रख देना। आपको एडिट कैसे करना है बस वो आपको सीखना, ये है दूसरा एडसेट। अब नेम मैंने से चेंज कर दिया, फिर आपको आना है बजट वाले ऑप्शन में। अब इसमें कितना लगाना चाहते हैं, देखिए दिल्ली वाले में 1000 रुपए है, एडसेट 2 हरियाणा में यहाँ 500 रुपए लगा दूंगा, ये आपके ऊपर है, आप जितना भी बजट लगाना चाहें। बजट के अलावा आप आ जाएंगे एज, जेंडर, लोकेशन, लोकेशन में चेंज करना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, ये देखिए यहाँ पे गुड़गांव है, दिल्ली एनसीआर है, मैं ये भी चेंज करूंगा यहाँ से और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा हरियाणा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे हरियाणा आ चुका है, ठीक है। फिर मैं जाऊंगा नेम वाले ऑप्शन पे, क्योंकि दो ही चीज मुझे एडिट करना है, तो मैं यहाँ पे दो ही चीज एडसेट 3 और ये मैं डाल दूंगा जैसे उत्तर प्रदेश के लिए है, ठीक है। फिर आपको आना है बजट वाले में, अब यहाँ पे आप कितना लगाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, 1000 लगाना चाहते हैं 1000 लगा सकते हैं। एज, जेंडर सेम है, लोकेशन की बस मुझे चेंज करना है। मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दिल्ली वाले में दिल्ली सेलेक्ट है, हरियाणा वाले में हरियाणा लोकेशन है, उत्तर प्रदेश में मैं इसे कट करके यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है।
उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूंगा। अब इसी तरह आपको एडिट करना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी एड सेट में आप उसका एज, जेंडर चेंज करना चाहते हैं, लैंग्वेज, डिवाइस, आप ये सब यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है कि आप क्या चेंजेस करना चाहते हैं। मैं आपको समझा दिया था कि एक कैंपेन है मेरा वेबसाइट ट्रैफिक के लिए, और उस कैंपेन में मैं अलग अलग स्टेट को प्रायोरिटी देता हूँ अलग अलग बजट से। तो मुझे मल्टीपल एड सेट क्रिएट करना, और उस मल्टीपल एड सेट में मैं उनके लिए अलग बजट लगाऊंगा, अलग अलग लोकेशन की टारगेटिंग करूंगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एड सेट क्रिएट कर सकते हैं अपने कैंपेन के ऊपर, और इसे अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम कन्वर्ज मिल सके और आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए। इसीलिए हम मल्टीपल एड सेट क्रिएट करते हैं ताकि आपका जो कैंपेन है वो अच्छा परफॉर्म कर सके। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों आपको मल्टीपल एडसेट क्रिएट करना चाहिए और आप किस तरीके से मल्टीपल एडसेट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग हिंदी लैंग्वेज में, ऐसा कोई जो आपको प्रैक्टिकल करके इसी तरीके से जैसे मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया है, इसी तरीके से मैंने इन सारे कोर्सेज को क्रिएट करा है, चाहे आपको SEO सीखना हो, WordPress वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी हो, आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, ईमेल, चैट जीपीटी, व्हाट्सएप बिजनेस, गूगल एड्स, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, लिंक्डइन मार्केटिंग, YouTube मास्टरी कोर्स, इन सब के ऊपर मैंने यहाँ पे कोर्सेज क्रिएट करा है। आप विजिट कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल को और इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप खुद ही डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यहाँ पे सिखाए हैं। आपको कहीं भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आपको इसी तरह के जो वीडियोस हैं, कोर्सेज हैं, इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।